भारतीय जनता पार्टी चंद्रपुर की ओर से ब्रह्मपुरी तहसील ग्रामीण संगठनात्मक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक पर चंद्रपुर भाजपा जिला अध्यक्ष देवराव भोंगले ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति केंद्र प्रमुख यह पार्टी की रीढ़ है। भारतीय जनता पार्टी चंद्रपुर की ओर से ब्रह्मपुरी तहसील ग्रामीण की संगठनात्मक बैठक राजेश्वर मगरे इनके निवास स्थान दिनांक 11 जून 2022 को दोपहर 3 बजे ब्रह्मपुरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अतुल देशकर इनकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस बैठक में चंद्रपुर भाजपा जिला अध्यक्ष देवराव भोंगले, चंद्रपुर भाजपा जिला संगठन महामंत्री संजय गजपुरे, चंद्रपुर भाजपा जिला महामंत्री कृष्णा सहारे, पूर्व जिला परिषद सदस्य तथा अनुसूचित जाति आघाड़ी भाजपा चंद्रपुर के जिलाध्यक्ष हरीश गेडाम, पोम्बुना नगर सेवक दर्शन गोरवंटीवार, पोम्बुना नगर सेविका कोटांगले, पूर्व उप सभापति ब्रह्मपुरी सुनीता ठवकर, पूर्व जिला परिषद सदस्य दीपाली मेश्राम, पूर्व पंचायत समिति सदस्य उर्मिला धोटे, ओबीसी आघाड़ी भाजपा ब्रह्मपुरी शहर अध्यक्ष अशोक सालोदकर, ओबीसी आघाड़ी भाजपा ब्रह्मपुरी ग्रामीण अध्यक्ष प्रेमलाल धोटे, भाजयुमो चंद्रपुर के जिला सचिव मानिक पाटिल थीरकर, नीलकंठ मानपुरे, तनय देशकर आदि की मौजूदगी रही। इस समय संगठनात्मक मामलों पर विस्तृत जायजा लेकर सभा को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष देवराव भोंगले ने कहा कि शक्ति केंद्र प्रमुख और बूथ प्रमुख पार्टी की ताकत है। शक्ति केंद्र प्रमुख यह पार्टी की रीढ़ होकर पार्टी की प्रमुख शक्ति केंद्र प्रमुख पर होती है। जितना शक्ति केंद्र प्रमुख सक्षम होगा उतना ही उसके अंतर्गत आने वाले बूथ भी सक्षम होंगे। पूर्व विधायक अतुल देशकर ने तहसील के कार्यकर्ताओं से कड़ी मेहनत व काम करने की अपील की है, तो वहीं जिला संगठन महामंत्री संजय गजपुरे ने भी मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का प्रास्ताविक और संचालन पूर्व सभापति तथा भाजयुमो ब्रह्मपुरी ग्रामीण तालुका अध्यक्ष रामलाल महादेव दुनाड़कर ने किया, तो वही आभार मेंढकी के पूर्व सरपंच यशवंत आंबोरकर ने माना। इस बैठक में शक्ति केंद्र प्रमुख और बूथ प्रमुखों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। सिटी केबल समाचार के लिए ब्रह्मपुरी से विनोद दुनाड़कर की रिपोर्ट।